एक बाप के तीन बेटे, एक बेटे ने कहा, सबसे छोटे बेटे ने कहा कि आप दो बड़े जो है ना वो बाप की विरासत ले लो, बाप मुझे दे दो, अब्बा मनु दे दो जायदाद, तुसी ले लो, अब्बा मनु दे दो जायदाद तुसी ले लो। उन्हें क्या सानू कबूल है, तू ले ले अब्बा ते जायदाद दे दे सानू, जायदाद दोनों में चलेगी अब्बे दी। पुत्र बाप की खिदमत का दरिया, बाप का विशाल का वक्त आया तो हाथ उठा लिए, बारी ताला इसने मेरी बड़ी खिदमत की, इसको मालो माल कर दे दुनिया की दौलत से और दीन की दौलत से, इस बच्चे ने मेरी बड़ी खिदमत की, बाप का आखिरी वक्त आ गया, वो बदस्तूर खिदमत करता रहा बाप की, बाप का विशाल हुआ। बाद में उसको किसी ने ख्वाब में कहा फलां जगह जा, वहां से एक अशरफी उठा लेके आ। ये कहने लगा क्या उसमें मेरे लिए बरकत है, आवाज आई नहीं। दूसरे रोज फिर ख्वाब आई कि फलां जगह से एक अशरफी 10 अशरफियां उठा के ले आ। कहने लगा इसमें मेरे लिए बरकत होगी, कहने लगा नहीं। तीसरे रोज फिर ख्वाब आई, ये 3 दिन ख्वाब में आने को हिकमत है, इसमें भी 3 दिन ख्वाब में आए ना तो ये हिकमत है, ये हिकमत किसी और दिन बयान करूंगा, 5 मिनट रह गए हैं। तो हुआ क्या, आवाज आई हाँ इसमें तेरे लिए खैर भी है, इसमें तेरे लिए बरकत भी है। ले आया अशरफी उठा के, उसकी एक मछली खरीदी, मछली को ज़िबा किया, अंदर से 2 हीरे निकले, 60,000 अशरफियों के इवज बादशाह ने वो हीरे खरीदे, कितने 60,000 अशरफियों के इवज, अशरफी सोने की हुआ करती थी, 60,000 अशरफियों के इवज बादशाह ने वो 2 हीरे खरीदे। शाम का वक्त हुआ, हातिफ से निदा आई, ओ ये तेरा कोई कमाल नहीं, ये तू जो बाप की खिदमत की है ना उसकी दुआ का सिला है, रब्बुल आलमीन ने तुम्हें दुनिया की दौलत से नवाज दिया।